नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। और मेरा नाम राजेश यादव है। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई मूवमेंट सिंक विथ नेचर। सिंक विथ नेचर के मतलब प्रकृति के साथ रहना। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाइट एक्सरसाइज, ज्वाइंट्स मूवमेंट। इसकी संख्या 20 से 25 है। और हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो यह सूक्ष्म व्यायाम करना अति आवश्यक। क्यों अति आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारा बॉडी मूवमेंट होता है। और बॉडी मूवमेंट में जो आवश्यक तत्व है वह है हमारा ज्वाइंट्स। और ज्वाइंट में साइनोवियल मेम्ब्रान नामक तत्व पाया जाता है जो साइनोवियल फ्लूड को बनाता है। और इसी साइनोवियल फ्लूड में ही और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हमारे बॉडी के हरेक पार्ट में पहुँचता है। इसीलिए इसे करना अति आवश्यक है। और इसके अनेकों लाभ हैं जो हमारे भैया बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के, जैसा कि मेरा भाई ने बताया, इसके अनेकों लाभ हैं दोस्त हैं। उनमें से कुछ का मैं आपको विश्लेषण बता देता हूँ। पहला, ये हमारे जॉइंट्स रिपेयरिंग जीनों को एक्टिवेट करता है। दूसरा, हमारे सेलुलर वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकाल फेंकता है। सेलुलर वेस्ट मटेरियल एक तरह का विजातीय तत्व होता है जो हमारे शरीर में और कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द को पैदा करने में ये बहुत ही सहायक होता है दर्द के लिए। इसको ये बाहर निकालने में बहुत ही लाभदायक है सूक्ष्म व्यायाम। तीसरा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन का लेवल को ये इंक्रीज करता है, मतलब मेंटेन करता है उस बैलेंस अवस्था में जो कि हमारे बॉडी को आवश्यक होती है। तीसरा, हमारा इसका निरंतर अभ्यास से फिजिकल परफॉर्मेंस जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है डे बाई डे। या आप लॉन्ग एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, तो ये आपकी ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है जब तक कि आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो। और एक अर्थराइटिस होती है, जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है दोस्तों, जिस जो कि हमारे जॉइंट्स में दर्द पैदा करता है। और ये हमारे छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्गों में ये बीमारी आजकल कॉमन देखी जा रही है। इसका निरंतर अभ्यास से आप अर्थराइटिस से क्योर कर सकते हो अर्थराइटिस को, या तो इससे निजात पा सकते हो। और भी इसके अनेकों लाभ हैं, इसका हम बीच बीच में आपका विश्लेषण देते रहेंगे। अब इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे भाई राजेश यादव आपको करके दिखाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें शुरू से अंत तक और विधिपूर्वक देखें। सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो के दौरान बताते रहेंगे। चलिए करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हमारा जॉइंट जो सिस्टम होता है पैरों के अंगुलियों से लेकर के हमारे स्केलेटल सिस्टम माथा के तक कपाल तक, मतलब कि हमारा ये जॉइंट सिस्टम अवेलेबल है इस बॉडी में दोस्तों। हर एक मूवमेंट्स में आप देख रहे होंगे कि हर एक जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है। और जैसा कि पहले भी आपको राजेश ने बताया था कि हमारे जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूड होता है एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों। और ये चिपचिपा पदार्थ हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेंट बनाने के लिए, मतलब कि फ्री मूव के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आप तभी कर सकते हो जबकि आप जॉइंट मूवमेंट्स का अभ्यास करेंगे। इसका यही लाभ है दोस्तों, मेन मुख्य लाभ यही होता है। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी के चलते हमारे बॉडी में एक ऊर्जा लेवल बनी रहती है, क्योंकि ब्लड फ्लो का दूसरा महत्व तत्व को आप समझें तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में निरंतर एक अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, अन्यथा हमें थकावट महसूस होने लगती है शरीर में। या क्योंकि ब्लड में हमारे क्या होते हैं, सारे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन अवेलेबल रहते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है, और सेलुलर वेस्ट के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जब हम एक्सहेल करते हैं। अब ये देख रहे हैं, जब भी आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तब हमारा मूवमेंट लेफ्ट राइट दोनों साइड होना चाहिए, इस प्रकार से विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। ना ज़्यादा गति आपको तेज करनी है ना कम करनी है, एक बैलेंस अवस्था। बैलेंस अवस्था एक 20 की अवस्था होती है जिसे हम मीडियम अवस्था कहते हैं। ये देख रहे हैं आप जिस तरह से हमारा नी जॉइंट्स मूव कर रहा है, ईच एंड एवरी जॉइंट्स। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में 24 घंटे रहनी चाहिए। अगर थाई जॉइंट्स भी मूव करता है एक बटरफ्लाई अभ्यास है दोस्तों, इसे बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। इसे आप बहुत ही एथलीट को रनिंग के पहले या स्ट्रेचिंग करते हुए देखते होंगे लोगों को। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये बैक और ये थाई जो जॉइंट होता है, लोअर बॉडी पार्ट जॉइंट और अपर बॉडी पार्ट का जॉइंट का ये सेंटर पॉइंट होता है, जिसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ही आवश्यक है। अब ये जो अभी आप अभ्यास देख रहे हैं इससे हमारा क्या है, पूरा मेरुदंड, पेट की फैट, साइड फैट, आपके सारे फैट को ये बर्न करता है। और फैट बर्निंग का मतलब क्या है, ये फ्यूल को प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा बॉडी का संचालन होता है दोस्तों। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और जो हमारा बॉडी फैट होता है इनको बर्न करने से ही हम आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं।
अब ये क्रॉसिंग देते हैं दोस्तों, ये भी हमारा साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही सहायक होता है। और दूसरी बात, हमारी जो कमर है उसका वेस्ट जॉइंट्स को ये फ्री रखता है विथ मोबिलिटी। एक बात को विशेष ध्यान रखें, आपको अभ्यास के दौरान जब आप कर रहे हो तो आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए और दूसरी गर्दन भी सीधी रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग में आप मीडियम ब्रीदिंग में आप लेते रहें पूरे एक्सरसाइज के दौरान। अभी अंगुलियों का आप मूवमेंट देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे अंगुलियों में तीन मूवमेंट्स जॉइंट्स होते हैं, एक पहला, दूसरा और एक तीसरा। तो आप उंगलियों को जब खोलते हैं बांधते हैं तो आपका ये मूवमेंट्स होता है, इससे आपको पूरे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा सर्वियल फ्लूड सारे न्यूट्रिएंट्स का एक पावर हाउस है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारा जो जॉइंट्स है वो हमारे बॉडी का क्या है, बेसिक एनर्जी प्रोवाइडर है दोस्तों, एक तरह से पावर बैंक है। ईच एंड एवरी जॉइंट्स मूव आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये हमारे कोई भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को अपग्रेड करते हो तो आपको ये करना बहुत ही आवश्यक है। इसको मैं एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप वो बड़ी से बड़ी लकड़ियों में आग लगाई जाती है तो उसके पहले आप छोटी लकड़ियों में आग लगाते हो, उसी प्रकार जब आप बहुत से अपग्रेडेड एक्सरसाइज करते हो, जैसे क्रंच मारना, रनिंग करना, पुलअप करना, रनिंग करना, तो उसके लिए पहले आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है और आपको एक अच्छी अवस्था में रखता है दोस्तों, ताकि आपका इंजरी लेवल बहुत ही कम हो सके। आप आँखों को भी एक्सरसाइज दे सकते हैं, अब आइज मूवमेंट आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आइज जो हमारा है वो स्केलेटल सिस्टम मतलब कि कपाल में एक सॉकेट में फिट रहता है दोस्तों, उसको आप 360 डिग्री मूव करा सकते हो, जिससे हमारे आँखों के स्नायुओं को बहुत ही बल प्रदान होता है और हमारी रोशनी हमेशा के लिए अच्छी रहती है दोस्तों। यह थी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। आपने शुरू से अंत तक देखा कि हमारा सूक्ष्म व्यायाम में किस तरह से बॉडी मूव किया, इसको आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले एक या दो दिनों में आपको हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा दोस्तों, कि आपको नेक्स्ट लेवल में आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।